हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी बज रहा है आज सुबह के 6, और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले ब्लॉग में, आज जो है वो शूट है, डांस परफॉर्मेंस है, जो दो दिन से रिहर्सल चल रही थी उसका आज शूट है। और आई होप शूट अच्छा जाए, बहुत दिन के बाद ऐसे मैं शूट कर रहा हूँ, क्यों वो भी डांस स्पेशली, आई होप अच्छा जाए। बस कुछ नहीं, चाय पी ली है, ज़्यादा जिस दिन शूट होता मैं कुछ खाता नहीं हूँ ताकि थोड़ा सा ब्लोटिंग ब्लोटिंग ना हो। और यहाँ जम गया है मेरा बैग, बस मैं अभी निकल रहा हूँ। और दीपिका तुम क्या करोगी फिर? सो जाओगी? और ये अब हम एंटर कर रहे हैं फिल्म सिटी। फिल्म सिटी में शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए बड़े बड़े सेट्स जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमेशा संजय लीला भंसाली की फिल्म का शूट का सेट लगता है, ये भी किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है। और यहाँ का एक वाइब और एक फील ही अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमली का सेट है, आपने देखा होगा ये वाला शो। यहाँ पे ये बसेस खड़ी हैं जो टूरिज्म की होती हैं, जो विजिटर्स आते हैं उनको पूरा फिल्म सिटी घुमाती हैं। और ये भी किसी तो शो का सेट है, मुझे नहीं पता। ये देखिए फील, ये मंदिर आपने कई सारी फिल्म्स में या शोज में देखा होगा, तो ये वो है। और ये आ गई हमारी लोकेशन जहाँ पे हम शूट करेंगे। फिल्म सिटी में अभी फ्रैक्स में होना है रेडी। और अपना जो इस बार जो एक्ट है वो थोड़ा सा रेट्रो टाइप का है, यू नो 70s 80s के गाने, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कॉस्ट्यूम रखा हुआ है, झटैक सा बिल्कुल। वो तो फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए हम रेडी होते हैं और फिर देखते हैं कैसे शूट होता है ये। वेट करेंगे उनके बुलाने का और फिर हम चलेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे और फिर खत्म होकर फिर चलेंगे। फिलहाल चाय पीते हैं। दोनों साथ में कर लूंगा, नहीं जी सुन ना, इनके लिए चेयर लगा दो और बस जरा बाकी लोग पीछे आ जाइए, वहां पे मत रहिए। परफॉर्मिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम था, तब तक कुछ मीडिया बाइट्स चल रही थी फॉर जी टीवी, जी फाइव, इन सब चीजों के लिए। चलो फुल एनर्जी पॉइजन गर्ल्स भाई, रिंग से डर बढ़ जा रहा है, कौन खड़ा रिंग में अभी भी दिख रहे आप लोग सब लोग, फोटो निकालो देख ना, वो फोटो निकालो जिला वाली। लास्ट टाइम मैम के साथ किया था, मैम को बस दीपिका मैम के साथ आगे उन्होंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम। हो गया है डांस कंप्लीट, हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, बहुत गर्मी, बहुत धूप, फुल ट्रेन, चलते हैं कुछ लेते हैं। एक्चुअली दीपिका को उसको बहुत वक्त से आईपैड लेना था, नहीं लैपटॉप लेना था, लैपटॉप लेना था, एक मिनी लैपटॉप छोटा सा, तो मैं सोच रहा हूँ ले लूँ उसको, सरप्राइज दे दूँ। अभी रास्ते में ओबेरॉय मॉल पड़ेगा, वहां से लेके उसको सरप्राइज देते हैं, ठीक है। गोल्ड कलर, 8 CPU, 7 GPU, 8 GB RAM। धूप पे शूट होते हैं, मस्त लग रहा है सबसे, मस्त कर रहा है।
अभी ले लिया है मैडम के लिए लैपटॉप, उनको स्पेशली उसमें पावर पॉइंट चाहिए था, नहीं क्या चाहिए था, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, हाँ ये तीनों चीज़ें चाहिए थी, तो वो भी इंस्टॉल करा लिया है। और थोड़ा सा मैंने कुछ खा भी लिया क्योंकि बहुत ड्रेन फील हो रहा था। अभी मैं जाता हूँ कांदीवली क्योंकि वो कांदीवली भी मुझे मिलेगी एंड देन फिर उसके बाद उसमें कुछ काम है और मैं घर जाकर सो जाऊँगा। और उसके बाद हम मिले पापा से कांदीवली में क्योंकि पापा की कुछ रिपोर्ट्स थी, एक्चुअली कुछ टेस्ट थे जो करवाने थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा एक उसमें नहीं आता, चार में आता तभी आपने तीन कैमरा लगाया। और थैंक यू शुएब, थैंक यू, कलर अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसमें सब डलवा दिया ना। हाँ, तो वहाँ पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड हो गया, और बैग भी ले आया मैं। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। बेचारे इतनी शूट से थक के भी जाके लेके आए मेरे लिए। बोलो नहीं तो घर आके जाने कौन सुनता बीवी के। घर आके मुझे फिर जाना पड़ता है। नहीं नहीं, तो मैंने कहा पहले दे देता हूँ मैं, कौन हाँ, देखो ताना दे देती, वापस नहीं भेजती। बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा, कलर अच्छा है, बहुत प्यारा है। अब तुम्हें दिमाग में रखते हुए फिजिकल डैमेज इंश्योरेंस भी करा लिया है कि अगर तुम गिरा पड़ा दोगी वो हो जाएगा, ये मिलते ही बेइज्जती होगी। हाँ जी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? यस, नहीं इधर नहीं ला सकती। क्यों? अच्छा, क्या कर रहे हो? प्रेजेंटेशन बन रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, कलर अच्छा लगा था मुझे। छोटू सा है ना, हल्का सा, मस्त है। और एमएस ऑफिस डलवा दिया, वो मेरे लिए सबसे अच्छा। हाँ जी, और बैग भी ले आया था मैं, बैग भी ले आया था, बैग भी बड़ा अच्छा चूज करके लाए थे इस बार, नॉट बैड, मेरे साथ रह के सीख रहे। अभी मैडम तो आपके लैपटॉप, अपने लैपटॉप से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आया है। ये भी वो का है, ब्लैक टल्प का, टल्प का सिल्वर प्लेट जो है वो है कहाँ? कहाँ है वैसे, मैं देखता हूँ। तो फिलहाल अभी हम उसको अनबॉक्स नहीं करेंगे, लेकिन कल का सिल्वर प्लेट जो है वो आ चुका है, तो मैंने कहा एक बार आप सबको दिखाना तो बनता है। तो ये है, एक सेकंड, पिछली बार मैंने एड्रेस दिखा दिया था इसमें, कल एड्रेस, ये है कल का प्लेट, सिल्वर प्लेट जो कि आ चुका है। कुछ टाइम में हम इसको करेंगे अनबॉक्स, और इसको भी लगाने की जगह ढूंढेंगे कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगा सकते हैं, बट बहुत खुशी है कि बहुत जल्दी आ गया इसका। मेरे वाले के लिए टाइम लग गया था, एक्चुअली आने में टाइम लग गया था, बट ये जल्दी आ गया, और इसको अनबॉक्स भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी करें। कैमरा उठा के क्या कर रही है? अगर खराब हुआ ना मैं बहुत मारूंगी, सच में आपकी वजह से खराब हुआ। क्या कर रही हो? मैं अपनी फ्रिंज छोटी कर रही हूँ। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों, अचानक क्यों लंबी हो गई है? सलून क्यों नहीं जा रही? करो देखते हैं, मैं करूँ? नहीं, मैं कर लूंगी। तो पता ही नहीं चला। और काटो, देखो ना शुरुआत की, देखो थोड़ा थोड़ा करके काटना चाहिए ताकि गड़बड़ तो एक साथ ना हो। एक बार चला दो पूरा, हो गया सही है ना, बस इतने तो काटने थे। ये देखो कि ऐसे आ जाए, बाकी बलिया कर लेगी। तो बस इस वीडियो करते हैं यहीं पे, हाथ से पकड़ा है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे।
गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और एक्चुअली दो तीन दिन से बन रहा था ये, बट नहीं बन पाया क्योंकि कुछ थी चीज़ें घर पे जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। और मैं हमेशा, मुझे पता है मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कुछ चीज़ें थी, बट जेन्युइनली कुछ चीज़ें थी, ये हमारे और उनके बीच में है, मैं झूठ नहीं बोलता, इस वजह से मैं नहीं बना पाया, बट कोई नहीं। और तो ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लगे तो भी देख लीजिएगा। मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं मन करे तो लाइक वो आपकी मर्जी, चलिए। लेकिन खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जो मर्जी आप करिएगा, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी केयर कीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह। और ये जो मैंने परफॉर्म किया है डांस होली इवेंट में, बालाजी के कुमकुम भाग्य के स्पेशल होली इवेंट है आप कह सकते हैं, उसमें डांस किया है जो आपने देखा, तो ये जो टेलीकास्ट होगा वो होगा जी टीवी पे 13th मार्च आई थिंक शाम 6:30 बजे जी टीवी पर, तो उसको भी देखिएगा, तो बताइएगा। yes.